सो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं लंदन में, और आपको पता ही है इसी सामने जो अराइवल की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो इमिग्रेशन से रास्ता आ रहा है। तो हम यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर किया हुआ है, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे और हमसे बहुत सारे जवाब भी देने पड़े। आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे वो कॉन्फिडेंस के साथ देने होंगे, आपने हेजिटेट ज़रा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो UK बोर्ड्स हैं वो बहुत हार्ड है क्लियर करना, और उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको पता ही है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके फंड्स चेक कर सकते हैं, आपके ना करेंसी कैरी कर रहे हैं, आपने होटल बुकिंग करवाया या नहीं करवाया, आपका रिटर्न टिकट और आपका इंश्योरेंस, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं किया तो आपको इंश्योरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो इंश्योरेंस भी चेक करते हैं। तो यही जो रास्ता है जो आप, और जब आप आते हैं तो वहाँ पे दो रास्ते दिखाता है, एक UK जो पासपोर्ट होल्डर हैं और यूरोपियन कंट्री जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो एक तरफ से रास्ता क्लियर करेंगी, और जो हमारी कंट्रीज़ हैं जैसे हो गया बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, एशिया की जो कंट्रीज होंगी उनके लिए उन्होंने अलग से बैरिकेड्स बना रखे हैं, ताकि वहाँ से उनको जो लोग ट्रैफिकर्स हैं जो मतलब अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या कुछ का इलीगली आना चाहते हैं, उनके लिए मतलब वो सस्पेक्टेड्स को पकड़ सकें उसके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने सारे मैसेज करने के लिए। मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे रेगुलर कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि आप जो हैं बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अभी रिसेंटली UK विजिट करके आया हूँ और मुझे UK बॉर्डर्स इमिग्रेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आज ये वीडियो गाइस उसी बात के लिए है कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, मुझे क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूछे मुझसे, क्या क्या उन्होंने डिटेल पूछी। तो ये सारी वीडियो आज उसी बेस पे होने वाली है, तो ये आप ये वीडियो देखना ना भूलें, और आप ये पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखें, ताकि ये आपको जो है एक पॉइंट बाय पॉइंट जो है सब आपको डिटेल समझ में आ जाए, ताकि आप जब वहाँ विजिट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप UK बॉर्डर जो है वो आप इजीली क्रॉस कर लो। और मैं भी चाहता हूँ जैसे मेरे से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे तो मैंने कैसे क्लियर किया, तो ये वीडियो आज उसी बेस पे गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि आपने क्या क्या क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्या क्या नहीं देने हैं, और पूरा डिटेल में बताऊंगा गाइस। तो गाइस जैसे आपने अपनी फ्लाइट कैच करनी है, तो फ्लाइट कैच करने से पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है जो आपने पहले से तैयार कर लेनी है, जैसे आपका हो गया वैक्सीन सर्टिफिकेट, हो गया आपकी जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप जो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं और या आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने जो फंड्स वगैरह जो है वो आपने पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेने, क्योंकि UK में इमिग्रेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, UK बॉर्डर क्लियर करना काफ़ी मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि कोई वहाँ से डिपोर्ट होके वापस कंट्री उसको भेज दिया जाए। तो आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी पूरी वीडियो देखते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं वहाँ पे अराइव्ड हुआ, तो अराइव होने के बाद जो है वो वहाँ पे दो रास्ते हैं, जो एक रास्ता जो है उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप और जो कैनेडियन सिटीजनशिप के पास है उनके लिए उन्होंने अलग से बे बना रखा है कि वो इमिग्रेशन वहाँ से क्लियर करेंगे। पर जो एशियन कंट्री हैं, जैसे आपको पता ही है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो और जो भी हमारी नेबर्स कंट्री हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक अलग से रास्ता बना रखा है, तो हमें जो है वो इमिग्रेशन वहाँ से क्लियर करनी पड़ती है। और वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो बैठते हैं वो एक अलग लेवल के बैठते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन करने होते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है, तो वो काफ़ी मतलब जल्दी दूसरे बंदे को जज कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जो इमिग्रेशन जो बॉर्डर में इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपसे पूछता है अराइवल में जाने पे, आपका पासपोर्ट लेता है, पासपोर्ट लेने के पास वो आपने जो होना है नर्वस नहीं होना है, सबसे पहली बात जो यही है कि वो नर्वस नहीं होना है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस लेवल अपना आपने हाई रखना है और आपने कॉन्फिडेंस से उसको जवाब देना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके स्टार्ट होता है पर्सनल डिटेल से, तो पर्सनल डिटेल में आपके वो फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स के बारे में वो कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने जो आंसर देना है वो कॉन्फिडेंस के साथ उनको आंसर देना है, ताकि उनको लगे कि मतलब ये जेन्युइन है, आपने मतलब अपने पे ज़रा भी मेरे पे कोई भी शिकन कॉन्फिडेंस लुक जो आपने ज़रा भी डाउन नहीं करना है, उनके साथ जो है वो प्रॉपर आपने कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके उनको जो है आपने जवाब देना है।
तो जैसे आपको पता है कि अगर आप बिजिट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो, तो बिजिट वीज़ा पे जब आप ट्रैवल करें तो बिजिट वीज़ा के रिगार्डिंग जो वो आपके क्वेश्चन पूछेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी वो आइटनरी वगैरह भी देख सकते हैं और होटल बुकिंग तो वो जरूर चेक करते हैं। सम टाइम क्या करते हैं वो आपके कैश फंड्स भी देखते हैं। जो जैसे मैंने अराइव किया, उन्होंने मेरी होटल बुकिंग चेक करी। होटल बुकिंग चेक करने के बाद जो उन्होंने क्या किया कि होटल जो मैंने बुक किया हुआ था उसका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर उसी में था, तो उन्होंने होटल को कॉल भी किया। होटल को कॉल करने के बाद उनको कंफर्म हो गया कि जो मेरी होटल बुकिंग है वो कंफर्म है और मैंने ऑलरेडी एडवांस में होटल को पेमेंट कर चुका था। तो उनको ये भी हो गया कि मैंने ऑलरेडी होटल को पेमेंट करी हुई थी। और दूसरा जो उन्होंने मेरे फंड्स वगैरह चेक किए, फंड्स वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने जो मेरी मुझसे रिटर्न टिकट मांगी, तो मैंने उनको रिटर्न टिकट दिखाई कि मैं इन्नी तारीख को वापस जो है वो ट्रेवल कर रहा हूँ। तो पता ही है मेरा जो ट्रैवल हिस्ट्री था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, मैं पहले भी मतलब यूरोप जो कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। तो उन्होंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी, ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने के बाद तो उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन भी पूछा कि मैंने लास्ट कब और कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। तो मैंने उनको डिटेल बताई और उन्होंने मुझसे एग्जिट डेट भी पूछी कि आपने उस कंट्री से कब एग्जिट किया था और कितने दिन के लिए आपने विजिट किया था। और ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप जैसे लंदन आ रहे हैं तो आप किन किन जगहों पे आपका जो है घूमना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू विजिट इन यूके। सो मैंने उनको बताया कि जो ब्रिटिश म्यूजियम है, टावर ऑफ लंदन है, बकिंघम प्लेस है, तो जो फेमस जगहों के नाम है जो आपने याद रखने की, आप उनको लगे कि मतलब आप इन इन जगहों पे घूमना चाहते हैं और आप जो है वो यूके एक जेन्युइन रीजन से मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो प्रोफाइलिंग भी अच्छे से होनी चाहिए कि आप जो ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना मतलब ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको एक बनानी पड़ेगी। अगर आप लंदन के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई किया हुआ है आपने, तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ वहाँ पे हुआ है। इमिग्रेशन काउंटर पे जो मैं इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा था, तो मेरे साथ में एक पंजाबी लड़का खड़ा था जिसकी भी वो प्रोफाइलिंग कर रहे थे। तो गाइज उसको तो मतलब उन्होंने क्वेश्चन किए तो उसको यही नहीं पता था कि मतलब वो कितने डेज के लिए विजिट कर रहा है, उसने कब वापस जाना है, और उसने सबसे बड़ी बात है जो उसने फंड नहीं शो कर पाया। तो आपको पता ही जब आप ट्रैवल करते हैं तो फंड तो वो आपको जरूर पूछते हैं, वो आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप किस किस जगह पे आप मतलब विजिट करना चाहते हैं यूके में, तो वो मतलब बता नहीं पा रहा था। तो उसकी प्रोफाइलिंग जो है वो लो होगी और उन्होंने तभी उसके मतलब जो डॉक्यूमेंट थे वो ले लिए, और एक उन्होंने ब्राउन कलर का इनवेल्प उन्होंने रेडी किया, तो मुझे लगता है कि उसको जो है उन्होंने वो डिपोर्ट कर दिया और उसकी रिफ्यूजल एंट्री कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी भी ऐसे हो, तो आपने जो है वो पहले से थोड़ी तैयारी करके चलना है, क्योंकि आपने पहले से इतना पेमेंट करा हुआ है और आप इतना जर्नी तय करके आए हैं, तो आपने जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है और आपने जो है ये मतलब अच्छे से क्वेश्चनों का आंसर देना है और पहले से थोड़ी प्रिपरेशन करके रखनी है। आपको वो खाने नहीं वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अब उनके वहां पे विजिट कर रहे हैं, तो उनको पहले से थोड़ा पता होता है कि आप वहां पे काम ढूंढने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। वो आपको मतलब जज कर लेते हैं, मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं वो काफी साल से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो आपने उनको उनके सामने लो नहीं होने देना अपना कॉन्फिडेंस लेवल। तो गाइस मैं बाबा की बात करता हूँ लंदन सिटी के बारे में, तो लंदन सिटी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, तो आप वहाँ पे विजिट करिए और बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने को है। और जो स्टूडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि वो एक बहुत अच्छी कंट्री विजिट कर रहे हैं, कि कंपैरिजन टू कनाडा जो है वो लंदन मेरे आइडिया से जो बहुत अच्छी कंट्री है। और एक मेरा दोस्त है जो वहाँ पे भी अभी मतलब स्टडी वीजा पे है और साथ में वो काम भी कर रहा है, तो वर्किंग वेजेस जो है वो बहुत अच्छे हुए हैं, उन्होंने मेंटेन करके रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको पता ही है मतलब आपके जब आप एक स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे पीआर लेने की या आपको जो अपनी जो मतलब इनकम सोर्स जनरेट करने का एक अच्छा चांस होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा है। आप उसको मतलब कनाडा से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी कंट्री है विजिट करने के लिए, और वहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है कंपेरिजन टू कनाडा, जैसे कि वहाँ पे ठंड वगैरह रहती है और वहाँ पे जो मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, और स्काई भी वहाँ का बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, वीडियो में मैंने अपने क्लिप्स जोड़ दूंगा जो मैंने अपने लंदन में विजिट किया, और आप मेरी जो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं कि मैंने उस वहाँ पे ऑलरेडी जो वीडियोस डाली हुई हैं, क्लिप्स डाले हुए हैं लंदन, मैंने कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा विजिट किया, तो मैं आपको वहाँ बता सकता हूँ। और जो स्टूडेंट वीज़ा पे रिगार्डिंग वीडियो है तो मैं वो अलग से बनाऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग वो क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपको भी वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो हमारी जो वीडियो थी वो बिजट वीज़ा के रिलेटेड थी, कि आप जो बिजट वीज़ा पे जा रहे हैं
और जो स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं, जो विजिट वीजा, जैसे कोई बोलता है कि मेरे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो स्पॉन्सर की आप पूरी डिटेल अपने साथ रखिए, उसका स्पॉन्सर लेटर, जो पोस्टल कोड है, उसका टेलीफोन नंबर, एकोमोडेशन डिटेल, तो आपको सारी शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो आपकी पूरी डिटेल चेक करेगा। तो जो स्पॉन्सर वगैरह पे जा रहे हैं या आपको कोई इनवाइट कर रहा है, तो आपने पहले ही अपने वीजा में ऑलरेडी शो किया हुआ है जब आपने वीजा अप्लाई किया था, तो इसके रिगार्डिंग जो आपने वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रिपेयर रखनी है, कि जैसे आपको इमिग्रेशन कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल से अपने क्वेश्चन का जवाब देना और उसको अपना लेटर दिखाना, चाहे वो फ्लाइट टिकट हो, चाहे वो रिटर्न टिकट हो, चाहे मतलब आपका स्पॉन्सर लेटर हो, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। और चाहे जो फंड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे वो मनी शो करने के बोले, तो आपने ये बातें जरूर ध्यान में रखनी है, और कॉन्फिडेंस लेवल से साथ जो आपने आंसर देने हैं, तो यही है, जो आपको कुछ खाने चले वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने अच्छे से जवाब दिया उनका तो वो आपको इमिग्रेशन क्लियर कर देते हैं। तो ये था गाइस हमारा वीडियो, तो मैं अगली वीडियो आपके लिए जो बनाऊंगा वो स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग बनाऊंगा, कि आपके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं। तो गाइस बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।